वेलकम बैक दोस्तों टू पार्ट टू ऑफ माय वीडियो जिसमें मैं आपको बता रहा हूं कि छोटे शहर में सिंगल स्क्रीन कैसे खोलें। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑडिटोरियम की, अकूस्टिक्स की, चेयर्स की, कारपेट की, लाइटिंग की और स्टेप लाइट्स के बारे में। तो बेसिकली मैं आपको इंटीरियर ऑडिटोरियम के बारे में सारी जानकारी दूंगा स्टेप बाय स्टेप। सो पूरा वीडियो देखिए एंड लेट मी टेल यू अगेन, दिस इज पार्ट टू ऑफ माय पार्ट फोर पार्ट सीरीज और कि छोटे शहर में सिंगल स्क्रीन कैसे खोलें और कितने लागत में खोलें। कीप वॉच। दोस्तों दिस इज पार्ट टू ऑफ माय फोर पार्ट सीरीज कि छोटे शहर में सिंगल स्क्रीन सिनेमा कैसे खोलें, कितने लागत में खोलें। दोस्तों अब हम आज बात करेंगे इस वीडियो में, ऑडिटोरियम आपका सिविल वर्क हो चुका है, अब आप ऑडिटोरियम के बारे में इस वीडियो में मैं खास करके आपसे बात करूंगा। दोस्तों मैंने आज ऐसा आपको बताया कि आपका ऑडिटोरियम का साइज कम से कम 45 फुट बाय 75 फुट या 80 फुट का होना चाहिए। इस ऑडिटोरियम में आप कंफर्टेबली 300 सीटें या 350 सीटें आप लगा सकते हैं। सो दैट इज योर रेंज। मैं आपको बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगा कि आप बैल्कनी बनाएं और नीचे बनाएं, आप एक ही स्टेडियम स्टाइल, एक मल्टीप्लेक्स का एक स्क्रीन जैसा होता है वैसा आप क्रिएट करें, एक ही लेवल, एक ही फ्लोर सीटिंग हो। और अगर आपको बहुत मन है तो आप पीछे में एक बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए या अपने खास दोस्तों के लिए, मेहमानों के लिए या प्रीमियम कस्टमर्स के लिए आप पीछे कर सकते हैं, जिसमें आप रिक्लाइनर्स वगैरह लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो अकूस्टिक ट्रीटमेंट होती है ऑडिटोरियम की, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है और ताकि वो ऑडिटोरियम बिल्कुल साउंड एको नहीं करे। अगर आपके ऑडिटोरियम में साउंड एको करेगा तो पब्लिक को बिल्कुल मजा नहीं आएगा पिक्चर देखने का, पूरा मजा किरकिरा हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको अच्छा अकूस्टिक ट्रीटमेंट करवाना है और एक 75 फुट बाय 45 फुट के सिनेमा हॉल को अच्छा अकूस्टिक ट्रीटमेंट देने के लिए आपको कम से कम 15 से 20 लाख रुपए का खर्च आएगा। ये आपकी टोटल साइड वॉल की पैनलिंग होगी, ऊपर छत का होगा ताकि पूरा साउंड प्रूफ हो जाए। इसमें जो लोग काम करते हैं वो अच्छा डिजाइन भी कर देते हैं, सो यू कैन गो हैड एंड गेट दैट डन। अगर आपको सस्ते में करवाना है तो आप 10 लाख रुपए में भी हो जाता है, 5 लाख रुपए में भी हो जाता है, लेकिन उसमें वो बात फील नहीं आती है। कोशिश कीजिए प्रीमियम फील लाने का, अच्छा फील लाने का। तो इसमें मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप यहां पे कॉर्नर कट ना करें, इसमें दिल खोल के पैसा लगाएं ताकि जो लोग सिनेमा हॉल में आए वो देखने के बाद बोले वाह। तो 15 लाख रुपए आप इसके लिए ईयरमार्क कर लीजिए। दोस्तों चेयर्स पे आते हैं हम। चेयर्स 1500 रुपए से लेके 50,000 रुपए तक आते हैं। अब आपको यह सोचना है कि ढंग के चेयर जो होते हैं वो 4,000, 5,000, 6,000 रुपए तक में आते हैं, जो कंफर्टेबल चेयर्स होते हैं जो कि मल्टीप्लेक्सेस में भी लगाए जाते हैं। सो यू कैन गेट अ गुड चेयर फॉर 4,000 रुपीज टू 6,000 रुपीज। आप उसमें देख लीजिए। हाँ, उसमें एक चीज जरूर देखिएगा कि चौड़ाई कितनी है चेयर की, 21 इंच है या 22 इंच है। प्रेफर कीजिएगा कि 22 इंच हो। अगर स्पेस कम है आपके पास में तो 21 इंच भी आप लगा सकते हैं, उसमें आपकी चेयर की काउंट बढ़ेगी लेकिन कंफर्ट घट जाएगा। तो इट इज ऑलवेज अ क्वेश्चन ऑफ कंफर्ट वर्सेस कॉस्ट। तो अगर आपको कंफर्ट ज्यादा चाहिए तो आपका रेवेन्यू कम होगा, वाइस वर्सा। तो इस चीज पे आपको ध्यान रखना होगा, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि कंफर्ट पे जाइए, गो फॉर अ कंफर्ट लुक। तो चेयर्स का आपको मोटा मोटा मान के चलिए, अगर आप 5,000 की कुर्सियां खरीद रहे हैं तो 300 कुर्सियां आप 15 लाख रुपए यहां पे भी आपके कुर्सियों में भी आपके लगेंगे। दोस्तों फिर आपका लगभग एरिया जो आ रहा है वो अगर मैं पकड़ लूं 80 फीट भी पकड़ लूं आपका, तो मोटा मोटा कारपेट एरिया आपको पूरा करने में, मैं आपको पूरे थिएटर में कारपेट एरिया नहीं करने के लिए बोलूंगा, क्योंकि छोटे शहर का सिनेमा है, जरूरी नहीं है कि आपको पूरे थिएटर में कारपेट करना है। और लाख मना करने के बाद भी हमारे थिएटर में लोग आके कुछ ना कुछ गिराएंगे, थूकेंगे, गंध फैलाएंगे, बेसिकली करते ही हैं लोग मानते नहीं हैं। सो यू नो कुछ भी कर लीजिएगा, कोई ना कोई गंदगी फैला के जाएगा। तो जो वॉकिंग एरिया है आपका, जहां पे लोग चलते हैं, उस एरिया में आप कारपेट लगाइए। जो कॉमन एरियाज हैं उस पे लगाइए। कुर्सियों के नीचे आप एक रबर का आता है मटेरियल, आप उसका इस्तेमाल करें, जो कि लगभग 20 रुपए 22 रुपए स्क्वायर फुट का आता है, 25 रुपए स्क्वायर फुट का आता है, वो आप लगाएं और उसको अच्छे से पैनलिंग करवा दें ताकि आपको साफ सफाई में भी वहां पर समस्या ना हो, आप उसको आराम से पानी से पोंछ सके अगर कोई गंदगी फैला के भी चला जाता है। और कॉमन एरिया में आपने कारपेट लगा दिया तो आपका लुक भी आ गया और उस एरिया में आपका किफायती भी हो जाता है, तो आपके पैसे भी बच जाते हैं। तो कारपेट एरिया मोटा मोटा लगभग आपको 40% ऑफ योर थिएटर पे आ जाएगा, क्योंकि कारपेट आपको 100, 150, 175 रुपए में भी मिलता है, अच्छा कारपेट आपको 100, 125 रुपए स्क्वायर फुट का भी मिलेगा।
तो उसको आप लगवाने का कॉस्ट लगभग 8 से 10 रुपए स्क्वायर फुट आता है, कारपेट और वो रबर्स को भी आप लगवाने का, तो वो हो गया। उसके बाद है दोस्तों लाइटिंग, लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइटिंग अच्छे से करवाइएगा अपने सिनेमा की, ऑडिटोरियम की खास करके, वो अपने जो इंटीरियर्स हैं आपके उसके ऊपर में कम से कम 15-20 लाइट्स होनी चाहिए जो कि डिम हो आराम से ये हो, और अपना LED पैनलिंग वगैरह जो है आपका डिज़ाइन हो उसे ढंग से करवा लीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों जो लास्ट है वो है स्टेप लाइट्स, स्टेप लाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि उससे जो थिएटर का पूरा लुक है वो निखर के आता है, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद सीट नंबरिंग की लाइट्स होती हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं, तो अंधेरे में लोगों को गाइडेंस भी मिलता है और बड़ा शानदार भी देखने में लगता है। कोशिश कीजिएगा कि जो आपका जो इंटीरियर कर रहे हैं, जो अकूस्टिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनसे आप प्लान करके एक अच्छा एस्थेटिक लुक ओवरऑल निकालें। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ऑडिटोरियम का साइज कितना होना चाहिए, लगभग आपको 75 से 80 फुट के आसपास और चौड़ाई 45 फुट। अकूस्टिक ट्रीटमेंट में आपको 15 लाख रुपये ईयर मार्क कर लीजिए, कुर्सियों में भी आप 15 लाख रुपये ईयर मार्क कर लीजिए, कारपेट और वो उसको करने में मोटा मोटा आपको 100 रुपये 125 रुपये का कारपेट और 20 से 22 रुपये स्क्वायर फुट का वो आपको प्लास्टिक का मटेरियल, जो रबर का मटेरियल जो आता है। उसके बाद लाइटिंग जो है आपकी, मुझे ज़्यादा नहीं, मुझे लगता नहीं ज़्यादा, आपको लगभग 1 लाख रुपये के अंदर आपकी लाइटिंग भी हो जाएगी सिनेमा की। तो दोस्तों ये रहा आपका वीडियो ऑडिटोरियम के बारे में। अब अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा मेन चीज़ों के बारे में, साउंड प्रोजेक्शन वगैरह वगैरह वगैरह, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।